वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एलजी फ्रिज के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ये हमारा एलजी कंपनी का 192 लीटर का फ्रिज है आपका, जिसमें बड़े फ्लावर मिलते हैं हमारे, बैंगनी कलर में होता है हमारा, सैमसंग कलर का सैमसंग फ्रिज है हमारा ये, जिसमें लुक बाई हैंडल दिया हुआ है हमारा, बड़े हत्ते वाला हैंडल है, पॉलिश काफ़ी अच्छी हुई है इसके अंदर, पकड़ने में ग्रिप काफ़ी अच्छी है हैंडल की। ये हमारा इसके अंदर लॉक दिया हुआ है, जो कि आपका हैंडल के अंदर ही लॉक है आपका फिट। ये हमारा कर्वो में ढक्कन दिया हुआ है इसका, ऊपर उठता हुआ, जो कि आपका देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये वाला मॉडल कर्वो में है, आता होता है ऊपर का, इसी में आता लगा होता है। ये हमारा 3 स्टार का फ्रिज है, 1 साल के अंदर 190 यूनिट खाएगा हमारी, 192 लीटर का फ्रिज है। मॉडल है RR20R272ZCR, 10 साल वारंटी में आता है हमारा, डिजिटल इन्वर्टर में होता है, 2 CFL के जितना लोड लेता है हमारा फ्रिज। स्टेबलाइजर है इसके अंदर इनबिल्ट है, 21 साल से ट्रस्टेड ब्रांड है ये वाला फ्रिज हमारा। जो कि हमारा लेदर कोटेड पैंट में आता है, जो हमारा कभी गलता नहीं और कभी ख़राब नहीं होता और कभी करंट नहीं आता है इसमें। ये हमारा लेदर कोटेड पैंट होता है इसमें, ये खुरदुरा पैंट होता है हमारा। अब हम इसके साइडों के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका साइड से काफ़ी अच्छा फ्रिज लगता है देखने में। ये पूरा का पूरा आपका लेदर कोटेड पैंट में होता है साइड से भी। ये हमारा बैक साइड से है, जिसमें हमारा जाल पीछे अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है, जिससे हमारा कभी लीकेज नहीं होएगा। ये पीछे से जाल आपका इनबिल्ट जाल है इसके अंदर, पीछे से प्लेन है हमारा, इसे साफ सफाई भी कर सकते हैं हम। ये हमारे मॉडल के हिसाब से कंप्रेसर कैपेसिटी दी हुई है इसमें, कौन से कंप्रेसर में कौन सा होता है आपका। इसमें R600 गैस गिरती है, जो कि हमारा इन्वर्टर फ्रिज है आपका। ये हमारा इन्वर्टर फ्रिज में इसकी आपकी PCB लगी हुई है, जो कि आपकी DC कंप्रेसर के साथ होता है हमारा, DC कंप्रेसर होता है। ये हमारा इसके अंदर आपका पानी के लिए बास्केट लगी हुई है, जिसमें हमारा पानी आपका सारा इकट्ठा होता है और टोटल पानी इसके अंदर ही जाता है हमारा। यह हमारा फिल्टर दिया हुआ है, जो कि आपका गैस को फिल्टर करके आगे भेजता है, जिससे हमारा फ्रिज चोक नहीं होता आपका। ये कंप्रेसर लगा हुआ है इसमें हमारा, DC कंप्रेसर है, काफ़ी हैवी पावर का कंप्रेसर है, ओरिजिनल सैमसंग कंपनी का कंप्रेसर आता है ये वाला हमारा। ये हमारी इसके अंदर PCB लगी हुई है, जो कि आपके DC कंप्रेसर से चलाती है हमारा, ये DC करंट फेंकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड से, दूसरी साइड भी हमारी सेम ही है। अब हमारी इस पर एक चिट लगी हुई है, जो कि आपकी सावधानी बताती है कि फिर साइड से फ्रिज गर्म हो सकता है आपका, इस पर लिखा होता है आपका कि साइड से फ्रिज हमारा गर्म होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब हम बात करते हैं इसके अंदर की, जो कि आपका ढक्कन आपका करवों में नीचे से निशान दिया हुआ है, जो कि देखने में डबल डोर का लगता है। अब हम बात करते हैं अंदर की। ये हमारा अंदर से है हमारा फ्रिज, जो कि देखने में अंदर से भी काफ़ी हैवी फ्रिज लगता है, टफन गिलास में हमारा है। ये हमारा इसमें फ्रीजर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा फ्रिज है, देखने में फ्रीजर काफ़ी बड़ा है हमारा ये वाला। और इसमें हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलर दिया हुआ है, जिसमें हमारा ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक कट मारता है। ये सावधानी दी हुई है डिफ्रोस्ट करने पे बाद कितनी देर में हमारा फ्रिज चलेगा इसमें। ये हमारी चिल्टी रह दी हुई है, जिसमें हमारा पानी पीछे जाता है, इसके अंदर हमारा पानी जाकर पीछे होता है। इसके अंदर हमारा LED बल्ब दिया हुआ है, जो कि आपका LED बल्ब है,
ये टफन गिलास में हम इसमें आपका 150 किलो तक वजन रख सकते हैं, ये आपका 150 किलो तक वजन सहन कर सकता है, काफ़ी मजबूत होता है ये टफन गिलास आपका। ये बास्केट होती है हमारी आलू प्याज के लिए, इसमें हम आलू प्याज रख सकते हैं। अब बात करते हैं ढक्कन के बारे में। ढक्कन में हमें ऊपर करों में हैंड आता दिया हुआ है जो कि हम ऊपर से पकड़ सकते हैं। ये हमारी गैस किट है, इसमें हम निकाल कर दोबारा धो के साफ करके लगा सकते हैं गैस किट को, में इजली रिमूव हो जाती है ये वाली। ये हमारी छोटी बोतल के लिए होता है, ये अंडों के लिए हमारा स्लेब होता है, इसमें हम अंडे रख सकते हैं आपका। इसमें बड़ी बोतल आ जाती है हमारी, ये जी नीचे आपकी 2.25 लीटर की बोतलें आराम से आ जाती हैं, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है फ्रिज में। ये हमारा आपका बल्ब का लॉक दिया हुआ है, इसमें आपका बल्ब इसमें अपना आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी वीडियो चैनल पर घेरता रहता हूँ। धन्यवाद।